जो इंग्लिश लिटरेचर से वाकिफ हैं एक मोहरा है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जब आदमी अपनी जीवन की आखिरी लड़ाई हार जाता है तो कहा जाता है ही एस मेट इज़ वाटर लू मे से कई लोग इसमें परिचित होंगे यहाँ पे ही ये मेट इज वाटर लू ये मोहरा जो है वो वॉटर लू की एक लड़ाई हुई थी अठारह में आज का जो बेल्जियम है उसका जो कैपिटल है ब्रिसल्स उसके पास इस लड़ाई ये लड़ाई नेपोलियन की आखिरी लड़ाई थी और इसमें आ, ब्रिटिश सेना जिसके साथ रशिया और जर्मनी की भी सेना थी इस सेना की जीत हुई थी और शेष जिंदगी नेपोलियन को जेल में बितानी पड़ी थी इसके जो प्रणेता थे ये जो ब्रिटिश विक्ट्री के वो थे ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ये वही अफसर है जो इसके पहले भारत में पोस्टेड थे सेवनटीन सेवन से लेकर एटीन तक इनका उस टाइम पे नाम था जनरल आर्थर वेलिसली टीपू सुल्तान की जो आखिरी लड़ाई थी उसके अंदर भी ये थे इनका एक रोल था उसमें ये लड़ाई के बाद में ये विश्व विख्यात व्यक्ति बन गए इंग्लैंड के दो बार प्राइम मिनिस्टर बने लेकिन इनको जब पूछा गया इनके आखिरी दिनों में कि आपके जीवन के सब में महत्वपूर्ण और सब में कठिन लड़ाई कौन सी थी तीनों ने लू का नाम न लेके पूछने वाले को चौंका दिया इन्होंने कहा कि मेरी सब में महत्वपूर्ण लड़ाई और तो सब में कठिन लड़ाई मैंने भारत में लड़ी थी असाई नाम की जगह है पूना के पास वहां पे दो देशी राजा दौलतराव सिंधिया और रघुजी भोसले दो इन दोनों की सेना के साथ मेरी लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई में जो मराठा सेना का जो तोप मारा था वो इतना खतरनाक था और उनके सैनिक ने सैनिकों ने ऐसी वीरता दिखाई थी कि अगर उस उस दिन मैंने मेरे मेरा कर्तव्य और मेरी वीरता ना दिखाई होती तो हम ये लड़ाई हार जाते अब इससे बड़ा ब, बड़ी नहीं हो सकती कि एक विश्वविख्यात सेनापति वाटरलू जिसका नाम इंग्लिश लिटरेचर में एक मोहरा के रूप में दाखिल हो चुका है दो साल से वो सेनापति ये कहता है कि सब में महत्वपूर्ण मेरी लड़ाई मैंने भारत में लड़ी थी असही नाम की जगह पे आज असही का नाम भारत के लोग भी नहीं जानते महाराष्ट्र के लोग भी नहीं जानते इसको बोलते हैं एक बीमारी मैं कहता हूं हमेशा कि हम भारतीयों को एक बीमारी है उस बीमारी का नाम है इतिहास के ज्ञान और सार का अभाव हमें इतिहास का ज्ञान का भी अभाव है और सार मतलब बोध पाठ लेने की शक्ति जो है उसका भी अभाव है और कहीं ज्ञान का अभाव नहीं है तो सार का तो है ही और इसका सब में बड़ा उदाहरण है मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति मेन कारण था जिससे भारत का विभाजन हुआ कांग्रेस ने यह राजनीति खेली कट्टरवादी मुस्लिम नेता थे वो एक के बाद एक अपनी डिमांड रखते गए और आखिर उनकी डिमांड थी पाकिस्तान लेकिन क्योंकि बीमारी से हम पीड़ित थे मुस्लिम तुष्टिक की राजनीति आजादी के बाद भी हमने जारी रखी और ये मुख्य कारण है कि आज हम एक देश के रूप में अभी भी उभर पाने में असफल रहे हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात प्रधानमंत्री करते हैं लेकिन ये जो मुस्लिम संस्कृत की जो राजनीति है इसने एक मुस्लिम के एक बड़े तबके को राष्ट्रीय धारा में जोड़ने से रोका है और मूल कारण है इसका ये बीमारी जिसका नाम है इतिहास के ज्ञान और सार का अभाव हम अगर इतिहास का अगर ये बीमारी अगर नहीं होती तो हम लोग इतिहास में बहुत पार्ट लेते एक बार हमने इतनी बड़ी कीमत चुकाई भारत के विभाजन के रूप में तो हम ये यही नीति फिर से हम शुरू ना करते लेकिन ये ये नीति जो है मुस्लिम तस्टूडेंट तो की ये आज़ादी की बात भी जारी रही इसका मूल कारण है ये बीमारी इस बीमारी के कारण से हमारे जो महापुरुष हैं उनको भी हम सही तरीके से देखने में असफल रहे हैं आ, इसमें हमारे नेताओं का भी रोल है उन्नीस में एक बार एक व्यक्ति ने गांधी जी से पूछा गांधी जी बंबई में थे राणा प्रताप छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह के बारे में कि उनका मूल्यांकन आप कैसे करते हैं गांधी जी ने जो जवाब दिया वो बड़ा चौंकाने वाला था बड़ा शॉकिंग जवाब था उन्होंने उन्हें कहा कि महाराणा प्रताप शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह देवर पेट्रियट्स बट देवर मिस गाइडेड पेट्रियट्स भूल भरे हुए देशभक्त थे आप समझे तो हमारे जो बड़े बड़े नेता हो गए जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा काम किया उनकी भी कई गलती रही कि हम इतिहास का बराबर हमारी समीक्षा इतिहास के संदर्भ में नहीं कर पाए छत्रपति शिवाजी को इतिहासकार वामपंथी हो शिवाजी प्रेमी हो देशभक्त हो सभी शिवाजी को एक राजा के रूप में देखते हैं छत्रपति का मतलब एक स्वतंत्र राजा लेकिन वो चार या पांच बिंदु जो मैं यह तय करने में मदद करते हैं कि एक शासक को सम्राट के रूप में देखा जाए या एक राजा के रूप में उन पांच तथ्यों को हम अगर शिवाजी पर लागू पाड़ते हैं तो आपको हमें तुरंत ख्याल आ गया कि शिवाजी का जब देहांत हुआ तब तो वो सम्राट बन चुके थे पर हमारे पास उस तरीके से देखने की दृष्टि नहीं थी ये चार पांच बिंदु जो हैं वो ये हैं एक उस शासक का राज्य विस्तार अगर राज्य विस्तार उसका कम है वो कितना भी महान हो हम उसको सम्राट नहीं कह सकते उसकी पहली आवश्यकता है उसका राज्य विस्तार बड़ा होना चाहिए दूसरा उसने जो बोया वो उक कितना उग के निकला समाज में उसने क्या छाप छोड़ी तीसरा है उसका युद्ध कौशल युद्ध कौशल से कैसे समाज को उसने प्रेरित किया चौथा है उसका विश्व इतिहास में स्थान और पांचवा है उसकी प्रजावत्सलता उसने जो संस्कृति सिंचन के काम किए वो ये मेरे खाद चार या पांच बिंदु हैं जो हमें ये मदद करते हैं ये तय करने में कि एक शासक को एक सम्राट के रूप में देखा जाए या राजा के रूप में दोस्तों जो विदेश, विदेशी विदेशी आक्रमणकार जो आए थे शाबुद्दीन गोरी हो मोहम्मद गजनवी हो अहमा शाह अब्दली हो इनका हमारे जो इतिहासकार है बहुत इनकी सराहना करते हैं ये कहते हो कि भले ये क्रूर हो लेकिन इतने दूर से ही आते थे और भारत पर राज करते या भारत को लुकते थे ये बड़े बड़े पुरुषार्थी लोग थे ये लेकिन याद रहे जिस दिन शिवाजी का देहांत हुआ उस दिन उनकी राज्य की जो लंबाई थी चौड़ाई कम थी वो 1600 किलोमीटर की थी उसका आरंभ होता था दक्षिण गुजरात के वलसाड़ नाम का जो आज शहर है वहां से उसका अंत होता था जिंजी नाम की जगह है मद्रास के आगे 160 किलोमीटर उससे भी आगे जाके ये जो पट्टी है ये पूरे जो, जो ये जो डिस्टेंस है ये लंबाई करीबन 1600 किलोमीटर की है और पांच राज्यों को छूती है गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटका तेलंगाना और तमिलनाडु काबुल की जो लंबाई है दिल्ली से जो अंतर है वो सिर्फ तेरह किलोमीटर है शाहुद्दीन गोरी जो घुर से आया था अफगानिस्तान में जिसने मुस्लिम राज देश में कायम किया उस घुर का जो अंतर है दिल्ली से वो 1525 किलोमीटर है 1600 सो किलोमीटर से कम है कहने का मतलब कि शिवाजी इतने बड़े राज्य पर राज कर रहे थे इसका कोई को ख्याल ही नहीं है बड़े बड़े इतिहासकारों को इसका ख्याल नहीं है मैं एक और एक और उदाहरण दूंगा आपने कृष्ण देवराय का नाम सुना होगा विजयनगर साम्राज्य के बहुत बड़े जिसको बोलते हम, हमको सम्राट के थे सम्राट कृष्ण देव राय उनके टाइम पे भी जो राज्य की चौड़ाई काफी थी लेकिन लंबाई सिर्फ 700 या 800 किलोमीटर थी शिवाजी के राज्य की लंबाई कृष्ण देव राय विजयनगर साम्राज्य के सब में बड़े सम्राट उस टाइम पे जो लंबाई थी उससे डबल थी शिवाजी के राज्य की लंबाई तो ये, ये लोगों को मालूम नहीं है अच्छा उन्होंने क्या बोया और क्या उग के निकला इसके बात करें तो मेरे ख्याल से शिवाजी का जो योगदान इतना बड़ा है कि उसका लाभ आज भी भारतवर्ष को मिल रहा है देखिए शिवाजी के देहांत के बाद सिर्फ 40 साल में मराठा सेनाएं दिल्ली पहुंच गई 1718 में शिवाजी का देहांत हुआ 1680 में और 30 सालों के अंदर मराठा ही दिल्ली के बादशाह के करतार दर्ता हो गए दिल्ली का बादशाह जो था वो मराठों को पूछ के राज्य चलाता था अपना साम्राज्य चलाता था और शिवाजी के देहांत के बाद अठहत्तर साल में मराठा सेनाओं ने पेशावर जीता बहुत लोग कम लोग जानते होंगे पेशावर जीता दोस्तों पेशावर की जो लंबाई है पूना से वो करीबन तेईस किलोमीटर है ये लंबाई तेहरान जो ईरान की राजधानी है उसकी और 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 दिल्ली का जो अंतर है उससे थोड़ा ही कम है और समरकंद जहां से बाबर आया था उसका जो अंतर है दिल्ली का दिल्ली से अंतर जो है उससे ज्यादा है शिवाजी की शिवाजी को हम लोग एक छापामार युद्ध के प्रणेता के रूप में देखते हैं लेकिन शिवाजी की जो आखिरी दस साल की लड़ाइया थी वो आर पार की लड़ैया थी और उसके उसका उल्लेख कई जगह हुआ है लेकिन उसका हम उसका हम उसमें से सार नहीं ले पाए औरंगजेब शिवाजी के जीवन के जो आखिरी दस साल थे उसमें औरंगजेब एक तरीके से ही बिकम ए ऑब्जेक्ट ऑफ मौकरी जिसको बोलते हैं देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर सलीर की एक लड़ाई हुई सोलह uh, सौ के अंदर बहुत बड़ी मुगल मुगल सेना थी उसको मराठों ने हराया uh, करीबन आठ से दस हजार मुगल सैनिक काम आ गए उसमें तीस सेनापति थे छोटे बड़े और बाईस सेनापतियों को बंदी बनाया गया जब भी खबर औरंगजेब के पास पहुंची एक महीने के बाद तो औरंगजेब बताते हैं तीन दिन नहीं सो पाया उसको यह लगा कि जिस व्यक्ति को मैंने पहाड़ी चूहा कहा था उसकी यह ताकत कि मेरी फुल फ्लेज आर्मी को इतनी बुरी तरह से हराए इसी दशक के दौरान सोलह सो से लेकर सोलह सो के बीच में एक दौर दाखिले जो ये बताते हैं कि किस तरीके से औरंगजेब और शिवाजी से तंग आ गया था अच्छा औरंगजेब उस जमाने में दुनिया का सब में शक्तिशाली सम्राट गिना जाता था औरंगजेब के टाइम पे जो राज्य का विस्तार जो था मुगल मुगलों का वो अकबर से भी ज्यादा एरिया था उसके अंडर औरंगजेब के अंदर एक बार औरंगजेब अपने दीवाने आम में अपने अधिकारियों के साथ बैठा था और एक खबरी आया महाराष्ट्र से उसने कहा कि जहां पर ना गए महीने में शिवाजी ने इतने इतने किले जीत लिए हैं और उनसे व्याकुल हो गया उसने अपने सेनापति उसके जो अधिकारी थे उनको पूछा कि भी अब ये शिवाजी का मैं क्या करूं मैं तंग आ गया हूं कि किसको भेजूं अब क्योंकि सभी सभी सेनापति फेल हो चुके थे शिवाजी के सामने तो मोहब्बत खान नाम का एक सेनापति था औरंगजेब का औरंगजेब से उम्र में बड़ा था कभी कभी मजाक भी कर लिया करता था उसने औरंगजेब को टोंट मारा उसने कहा कि जहा कोई नए सेनापति को भेजने की आवश्यकता नहीं है हमारे जो आगरा के काजी हैं अब्दुल वहाब उनको कहिए कुरान की दो दो आयतें बोलेंगे दो मंत्र बोलेंगे और शिवाजी जल के राख हो जाएगा कारण यह था कि अब्दुल वहाब काजी था आगरा का और औरंगजेब क्योंकि कट्टरवादी था उसको जरूरत से ज्यादा महत्व देता था जो सेनापतियों को पसंद नहीं था तो औरंगजेब को टोंट मारा मोहम्मद खान ने इस, इस खबरी जो खबर आई उसका मौका उठा के शाह अब्बास नाम का ईरान का सुल्तान था शिया था और कट्टरवादी सुन्नी औरंगजेब का विरोधी था उसने एक लेटर लिखा है इसी दशक में औरंगजेब को कि बादशाह औरंगजेब आप अपने आप को हिंदुस्तान जैसे बड़े साम्राज्य का अपना सल्तनत का बादशाह कहते हो वो शिवाजी को हरा नहीं पाते हरण में असफल हो अपना राज्य कैसे चलाना अपना साम्राज्य कैसे चलाना दुश्मनों को कैसे हराना लड़ाई कैसे लड़ना यह सिखाने के लिए मैं आ रहा हूं आगरा ऐसा उसने टॉन्ट मारा औरंगजेब तो औरंगजेब की बड़ी खराब हालत हो चुकी थी औरंगजेब का जो विल है सत्रह सौ सात के अंदर औरंगजेब की डेथ हुई उसमें जो विल के अंदर भी उसने उल्लेख किया है कि एक साम्राज्य का सब में बड़ा जो पिलर है वो है उसका माही केंद्रित करने का तरीका मेरा यह गलत था मेरा ठीक नहीं था इसके लिए शिवाजी आगरा से भाग निकला सोलह के अंदर और आज 40 साल तक मुझे मराठों के सामने मशक्कत करनी पड़ रही है ये उसके आगरे विल के अंदर है दूसरा शिवाजी का आप पूरा जो यो यो योगदान देखें उसका योगदान का मूल्यांकन कर ही नहीं पाए हैं जैसे कि जब शिवाजी आगरा गए तो वहां पे जो राजपूत जो अधिकारी थे उनसे उनका काफी इंटरेक्शन हुआ उन्होंने जो शिवाजी का जो वर्णन किया है वो जानने लायक है हमें इसका ज्ञान नहीं है ये 1600 उनचालीस तक ये पत्र जो थे ये आमेर के किले में थे सर जदुनाथ सरकार बहुत बड़े इतिहासकार इन पत्रों को बाहर लेके आए और उसमें से मालूम पड़ा कि शिवाजी इतने बड़े आदमी थे महाशिष शेखावत नाम का एक राजपूत का वो लिखता है कि शिवाजी शिवाजी इज उसका इंग्लिश मेरे पास भाषांतर है उसका ये जो जो पत्र है वो डिंगल भाषा में राजस्थानी भाषा में शिवाजी इज ए मैन ऑफ वेरी हाई सोल ही ज अल्ड मैन एंड हीज ए फ्रेंड ऑफ पीपल ऑफ वर्चुअ रिलीजन जो लोग चरित्रवान है जो लोग धर्म में मानते हैं धर्म मतलब रिलीजन नहीं धर्म के अंदर उनका शिवाजी दोस्त है फिर महर्षि शेखावत दिखते हैं कि ये शिवाजी बड़ा जोरदार आदमी है मैंने जितनी भी अपनी बात की मुझे शिवाजी से बात करके ये लगा कि आदमी कम बात करता है पर्याप्त बात करता है और इसकी बात अगर मानी जाए तो हर एक बात इसकी बड़ी उपयोगी साबित हो सकती है तो ये, ये उनका कैरेक्टर है दूसरा उनके दूसरे जो काम है देखिए एक नेवी का उनका उदाहरण है भारतीय नौका दल नेवी ये चोला साम्राज्य के साथ इसका अंत हो चुका था चोला साम्राज्य रहा करीबन बारहवीं सदी तक उसके बाद नेवी का कोई उल्लेख नहीं है छह अपने राजा थे जो कोस्ट पे राज करते थे पर नेवी को ने डेवलप नहीं की एक आ दो तीन चार वेसल अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए डेवलप किया उन्होंने ने कि नेवी एक साइंटिफिक तौर पे कोई नहीं डेवलप ने की शिवाजी ने की मुगल साम्राज्य जिसका इतने साल देश में राज कायम रहा वो भी नौका दल डेवलप करने में असफल रहा और शिवाजी ने सिर्फ नौका दल डेवलप नहीं किया उसके लिए पूरी دریا के अंदर समुद्र के अंदर एक पूरी किलों की श्रृंखला बनाई तो यह एक उनका ये बहुत बड़ा योगदान था दूसरा शुद्धि की बात करें तो शुद्धि मतलब एक आदमी जब हिंदू धर्म छोड़ छोड़ देता है तो उसको हिंदू लोग उसको वापस नहीं लेते थे अपने धर्म में यह कहते थे कि भ्रष्ट हो चुका है शिवाजी मेरे ख्याल से मध्यकाल के अंदर पहले या दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने शुद्धि का काम शुरू किया उन्होंने एक फल्टन के राजा थे बजाजी निम्बालकर के वो मुसलमान हो चुके थे कुछ कारण सर उनको ने हिंदू बनाया और हिंदू ही नहीं बनाया उसको अपनी बेटी दी शादी में ये एक बहुत बड़ा उस टाइम पे बहुत बड़ा ये था सोशल रिफॉर्म जिसको कहते हैं दूसरा शिवाजी का दूसरा रिफॉर्म आप देखें कि आ, शिवाजी ने सभी जातियों को लड़ाईक बनाया जैसे कि महार जाति है महार जाति जिससे बाबा साहब अंबेडकर आते थे महार जाति कभी लड़ाक जाती नहीं थी लेकिन शिवाजी का जो विजन था कि हर एक जाति को मैं लड़ाई एक लड़ाकू के रूप में तैयार करूंगा और महार जाति को उन्होंने जो गल जो किले होते थे डोंगर पे मतलब हिल फोर्ट्स होते थे उनके नीचे का हिस्सा महार जाति पूरी देखती थी महार थी रामोशी नाम की एक दूसरी ओबीसी जाति थी और मैं मानता हूं कि एक तरीके से इसका डायरेक्ट लिंक अंबेडकर के साथ में भी है क्योंकि अंबेडकर के जो पिताजी थे वो महार रेजिमेंट के अंदर सैनिक थे महार रेजिमेंट कब बनी जब ब्रिटिश ये भारत में आए उन्होंने देखा कि ये महार जाति जो है शूरवीर भी है और डिसिप्लिन भी है इनके एक रेजिमेंट होना चाहिए तो ब्रिटिशरों ने उसकी एक रेजिमेंट बनाई बाद में उसी रेजिमेंट के अंदर रामजी अंबेडकर ने नौकरी की मैं ऐसे मेरा स्पष्ट मानना है ये मेरा खुद का एक तरीके से एक एनालिसिस है मैं गलत भी हो सकता हूं लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर उनके पिताजी अगर आर्मी में नहीं होते तो जो लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर में वो शायद न आता तो ये बहुत बड़ा योगदान उनका रहा दूसरा विश्व इतिहास में उनका स्थान क्या है तो इसमें जदुनाथ सरकार ने तो यह कहा है कि शिवाजी वॉज द ग्रेटेस्ट कंस्ट्रक्टिव जीनियस ऑफ मिडिवल इंडिया मध्यकाल के सब में कंस्ट्रक्ट बड़े कंस्ट्रक्टिव जीनियस थे तो शिवाजी थे लेकिन मैं यहां एक विदेशी प्रवासी आए थे शिवाजी के कार्यकाल के दौरान उन्होंने क्या कहा है उसको कोट करूंगा उससे आपको ख्याल आएगा कि शिवाजी को लोग कैसे देखते थे एक बारथेमली कैर नाम का एक प्रवासी भारत में दो बार आया शिवाजी के कार्यकाल के दौरान सोलह से लेकर सोलह तक वे दो बार वो आया भारत में बारथेमली कैर इसके दो एनालिसिस शिवाजी के वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा चौल नाम का एक बंदर है पोर्ट है कोकण में उसके सूबेदार को जाके मारथमरी केयर मिले और सूबेदार ने क्या कहा वो उसने अपने किताब में लिखा हुआ है सूबेदार ने कहा कि हमारी राजा का जो विजन है वो सिंध प्रदेश से लेके बंगाल की खाड़ी तक हिंदी स्वराज्य को फैलाने का है जब शिवाजी के पास मेरे ख्याल से दो चार डिस्ट्रिक्ट ये ये बात है करीबन सोलह सौ अड़सठ की उस टाइम पर शिवाजी के पास कर्नाटक कि कुछ हिस्से थे और कुछ महाराष्ट्र के थे ये जो साम्राज्य बना शिवाजी का वो बाद में बना। आखिरी पांच साल में बना ऐसे टाइम पे उनकी विजन ने उसने जो बताई कि हमारा जो राजा है वो सिंध से लेके बंगाल की खाड़ी तक हिंदु स्वराज्य फैलाना चाहता है उसका ये विजन है दूसरा उसने कहा कि हमारा राजा है वो हमारा सामान्य सैनिक है उससे भी ज्यादा मेहनत करता है और जितने इसको जितनी इसकी विपत्तियां इसके सामने आती है चैलेंजेस आते हैं उतना ही ये उबर के बाहर निकलता है और विपत्तियां इसको जो जो चैलेंजेज हैं उसको और ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं तो ये वर्णन उसने किया है दूसरा उसने लिखा है उससे कंपैरिजन शिवाजी की उसने ये लिखा है अपने किताब के अंदर कि पूर्वी दुनिया का पूरी दुनिया का समय बड़ा अगर कोई शासक है तो वो है शिवाजी इतना प्रभावित वो हुआ था और वो लिखता है कि यूरोप का जो हीरो है गुस्टोफस एडोल्फस ये स्वीडन का बहुत बड़ा राजा हो गया जिसको आज यूरोप में हीरो माना जाता है मेरे ख्याल से पंद्रहवीं या सोलहवीं सदी में हो गया ये उसके साथ कंपैरिजन की है कि जो गुस्टोफस एडोल्फस का स्थान है यूरोप के अंदर वही स्थान पूर्वी दुनिया के अंदर शिवाजी का है इसकी युद्ध इस, शिवाजी का युद्ध कौशल शिवाजी की प्रजावत्सलता शिवाजी का प्रजा प्रेम यह एडल्फ से एडल्ट से थोड़ा भी कम नहीं है और जब मैं जाऊंगा वापस तो मैं शिवाजी की जो गाथा है वो हमारे यंग बच्चों को सुनाऊंगा ताकि उसको उसमें से प्रेरणा मिले तो शिवाजी का यह स्थान था इसका कहीं उल्लेख नहीं है हमारे किताबों में भी कोई उल्लेख नहीं है इसका दूसरा शिवाजी के वजह से आप देखिए एक बहुत बड़ा वाक्य इतिहास में हुआ है जिसका कोई को ज्ञान नहीं है शिवाजी के देहांत के बाद तीन साल के बाद सोलह के अंदर एटी में औरंगजेब आगरा से निकला यह तय करके कि मैं शिवाजी के पुत्र संभाजी को तीन चार साल में हरा के वापस आ जाऊंगा और बहुत कम लोगों को ख्याल होगा आज इस हॉल के अंदर भी कि औरंगजेब जो निकला 1683 में आगरा से आगरा का मुंह वापस नहीं देख पाया सत्ताईस चौबीस साल लड़ता रहा मराठों के सामने और खत्म हो गया वहीं के वहीं दफन हो गया महाराष्ट्र में इसका मूल प्रेरणा स्त्रोत्र थे शिवाजी ये कैसे हुआ 1689 के अंदर उन नब्बे में सोलह सौ नब्बे के अंदर एक युक्ति से उसने शिवाजी के पुत्र संभाजी को जिंदा पकड़ लिया और संभाजी को उसने चॉइस दी या तो आप इस्लाम कबूल करें या तो मौत पर क्योंकि शिवाजी की ऐसी प्रेरणा थी कि संभाजी ने मौत कबूल की और जो मारा गया है शिवाजी संभाजी को वो बात वो बात आपको मैं तो आपके, आपका कलेजा आज आज कांप जाएगा उनकी आंखें नाक जीभ, गला कान सब काट दिए गए हाथ काट दिए गए पांव काट दिए गए और उनका जो सिर है सिरछेद करने के बाद में उसको पूरे भारत के बड़े बड़े किलों पर लटकाया गया हिंदुओं को डराने के लिए लेकिन इसमें से जो ऊर्जा निकली उनके बलिदान से वो ऊर्जा इतनी खतरनाक थी कि उसमें एक तरीके से औरंगजेब खुद ही उसमें मर्ज हो गया मतलब वो ऊर्जा के अंदर वो खाक हो गया और सोलह के अंदर एक किस्सा है कितने बड़े बड़े कितने बड़े बड़े लड़ाकू पैदा हुए शिवाजी की प्रेरणा से जैसे कि संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव इन दोनों का नाम उत्तर भारत में कोई नहीं जानता लेकिन दक्षिण भारत के अंदर औरंगजेब के नाम से कांप जाता था मतलब औरंगजेब को मालूम पड़ता था कि धनाजी यादव या संताजी घोरपड़े मेरे से बिल्कुल कुछ किलोमीटर दूर है तो को डर लगता था क्या होगा ऐसा डर बैठा दिया था और एक बार तो उन्होंने जो संताजी घोरपड़े उसका जो भांजा था विठोजी विठोजी विठो चौहान विठोजी हिम्मत बहादुर उसको बाद में टाइटल मिला था इन दोनों ने तय किया कि कोरेगांव के अंदर ये सोलह का किस्सा है कोरेगांव पुना के पास एक जगह है वहां किया बरसात का सीजन था कि हम जाके जो उसके जो मेन टेंट है बादशाह का उसको काट उसकी रोप्स काट देंगे ताकि वो टेंट पूरा नीचे गिर जाएगा और सभी दबके मर जाएंगे इंक्लूडिंग औरंगजेब ये रात को मामा भांजे गए वहां पर छोटी सी आर्मी लेके कैसे घुसे मालूम नहीं जाके इन्होंने उसकी रोप काट डाली टेंट की टेंट नीचे आ गया ऊपर उसका जो सोने का कलश था क्योंकि वो बादशाह का टेंट था उसमें सोने का कलश था वो लेके भाग गए वहां से लेकिन औरंगजेब बच गया क्योंकि उस दिन औरंगजेब अपनी बेटी का टेंट जो था बगल वाला उसमें गया था और बरसात गिरी तो रात को वहीं सो गया बाकी उसमें कम से कम सो दो सो आदमी मर गए उस दिन टेंट के नीचे समझा आप हाँ और इसमें डर कैसे पैदा हुआ इसके बाद जब घोड़े जो घोड़े घोड़े होते थे आ, मुगल घोड़े जब उनको पान, पानी पिलाने के लिए नदी पे ले लिया जाता था अगर वो पानी नहीं पीते थे तो मुगल सैनिक ये कहते थे कि तुमने संताजी और धनाजी का मुंह देख लिया क्या कि पानी पानी पीने से डर रहे हो तो ये ये तो शिवाजी का हमें एक पुण्य मूल्यांकन करना पड़ेगा समय का थोड़ा अभाव है बाकी कई चीजें ऐसे हैं अपन इसको पूरा दिन इस इसमें चर्चा कर सकते हैं लेकिन प्रजावत्सल के दो काम में उनके आपके सामने रखूंगा एक तो जब शिवाजी छत्रपति बने तो उन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं का आयोजन शुरू किया एक होती थी वेद वेदोक्ता के ऊपर जब पूरे भारत में से ब्राह्मण आते थे और दूसरी होती थी युद्ध कौशल के ऊपर प्राचीन शस्त्र कला के ऊपर जिसमें सभी जाति के लोग आते थे और मेरे पास जो उल्लेख है कि मुगल साम्राज्य से भी लोग आते थे उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप सोचिए कि मुगल साम्राज्य के समय बड़े दुश्मन थे छत्रपति शिवाजी और फिर भी वो लोग वहां के जो नागरिक थे मुगल सा, मुगल साम्राज्य के वो शिवाजी की प्रतियोगिता में भाग लेने आते थे कितनी रिस्क लेते होंगे और दूसरा उनका महसूल जिसको बोलते हैं रेवेन्यू कलेक्शन उसके अंदर भी उनके बहुत अच्छे सुधार थे टोडरमल नाम का एक बहुत बड़ा अकबर का एक मंत्री हो गया जो रेवेन्यू रिफॉर्म्स का एक प्रणेता माना जाता है शिवाजी अपने राज्य में रेवेन्यू रिफॉर्म्स उसको आगे ले गए उसको ज़्यादा न्यायपूर्ण बनाया अपने प्रजा के लिए और आ, 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 स्टेट के लिए भी मतलब दोनों को न्याय मिले ऐसी ही उन्हें व्यवस्था खड़ी की तो मेरे ख्याल से शिवाजी का पुण्य मूल्यांकन होना चाहिए और हमें अगर हम शिवाजी मैं तो ये मानता हूं कि जब मैं पढ़ता हूं कि जैसे कि कूटनीति के अंदर उन्होंने जो एक सुधार लाया मतलब चाणक्य नीति जो है वो मर चुकी थी शिवाजी ने उसको फिर से पूर्ण जीवित किया फिर हमारे जो राजा होते थे जब विदेशी आक्रमणकार आते थे तो वो अप, अपने आप को डिफेंड ही करते रहते थे शिवाजी ने बताया कि आप अटैक करिए डिफेंड नहीं अटैक करोगे तो ये कंट्रोल में आएंगे तो शिवाजी का बहुत बड़ा योगदान है और मैं तो कभी कभी मुझे लगता है कि शायद एक हजार वर्ष के समय बड़े भारतीय के रूप में भी शिवाजी क्वालिफाई हो सकते हैं अगर उनका सही मूल्यांकन किया जाए तो बस इतना ही कह के, के मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा धन्यवाद मेरा ऐसा मानना है मेरी मोदी जी से काफी निकटता है कभी मेरी बात नहीं हुई लेकिन मुझे लगता है कि वो शिवाजी में से कई चीज़ों में प्रेरणा लेते हैं ऐसा लगता है मुझे ठीक बात कई बार तो शिवाजी का तो मैंने जैसे शिवाजी का एक एक पासा मैं जानता हूँ क्या खाते थे क्या पीते थे ये भी मुझे उसका भी मुझे ज्ञान है इतना मैंने अध्ययन किया हुआ है मुझे कई बार ऐसा लगता है कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी कही कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर शिवाजी से प्रेरणा लेते सर एक शिवाजी का हिंदुत्व था इसके बाद गांधी जी ने एक हिंदुत्व की परिभाषा दी थी इसके बाद में वीर सावर जी का हिंदुत्व आया और आज का जो हिंदुत्व है उसमें क्या डिफरेंस है देखिए ऐसा है कि हिंदुत्व की मूल परिभाषा तो एक ही रहती है हिंदुत्व का मतलब क्या है कई लोग इसको गलत समझ बैठते हैं कोई हिंदुत्व के समझते हैं कि हिंदुत्व मतलब कोई एंटी अदर रिलीजन है ऐसा ही नहीं हिंदुत्व का मतलब बिन शर्ती राष्ट्रवाद माफ करना उर्दू वर्ड यूज कर रहा हूं उसका मतलब है अनकॉम्प्रोमाइजिंग नेशनलिज्म आज वीर सावरकर ने भी वीर सावरकर का हिंदू राष्ट्र मैनिफेस्टो आप पढ़ोगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हिंदू राष्ट्र के अंदर सभी जाति सभी धर्मों को समान अधिकार होगा ऑन द कॉन्ट्री जो माइनॉरिटीज हैं उनकी लैंग्वेज उनके कल्चर को प्रोटेक्शन देने की भी व्यवस्था हिंदू राष्ट्र करेगा तो यह पूरा एक तरीके से फॉल्सिफिकेशन है जो बहु इस्लामाबाद है पैन इस्लामिज्म को फैलाने के लिए हिंदुत्व को बदनाम किया जाता है कि हिंदुत्व के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो गलत हो और मतलब आम प्रजा के लिए आ, हिंदुत्व जो है मैं, मैं मानता हूं कि हिंदुत्व न होने की वजह से ही भारत एक नहीं हो पाया वरना अभी तक तो भारत एक हो चुका होता क्योंकि आज भी मुसलमानों के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो राष्ट्रीय धारा में जुड़ना चाहता है ठीक उनको गुमराह किया जाता है तो हिंदुत्व में कोई खास फर्क नहीं है लेकिन गांधी जी के अंदर एक जरूर था कि गांधी जी ने जो संपूर्ण अहिंसा की जो बात की वो हिंदुत्व के सिद्धांत के विरुद्ध की बात है हिंदुत्व के अंदर अहिंसा की बात जरूर है लेकिन कोई आप पे अगर अटैक करता है तो अगर प्रतिकार करने की शक्ति आप में होनी चाहिए इसके लिए सावरकर ने कहा था जब राइड्स हुए पार्टीशन के टाइम पे उस राइड्स के जवाब कई जगह हिंदू दे नहीं पाए उस टाइम पे सावरकर ने कहा था कि हमें एक बीमारी जिसका नाम है सदगुण विकृति मतलब साधुता का एक सुंदर शब्द था बहुत जिसको बोलते हैं एक अति साधुता की हती अति जिसको बोलते हैं तो गांधी जी ने हिंदू सिंबल्स का उपयोग किया गांधी जी ने हिंदू में डिवीजन न हो उसके लिए भी खूब बड़ी परिश्रम किया लेकिन उनका जो संपूर्ण अहिंसा का जो प्रिंसिपल है वो जो हिंदुत्व मूल हिंदुत्व है उसके साथ उसका मेल नहीं खाता ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है स्वतंत्र भारत में हम लोगों को यह भी समझना चाहिए कि संविधान ने अब बहुत स्पष्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदुत्व तो एक जीवन पद्धति है और इसलिए उसको उसी रूप में स्वीकारना चाहिए ये कोई रिलीजन पंथ मजहब का पर्याय नहीं है हाँ अगला प्रश्न सर आपने कहा कि वामपंथियों ने सही चित्रण नहीं किया शिवाजी का लेकिन महाराष्ट्र में पुरंदर ने जो शिवाजी का चित्रण किया है उसकी कोई तोड़ नहीं है आज भी इज द लेटेस्ट पहले से का आप पढ़िए आपको अच्छी मराठा हिस्ट्री पढ़नी हो तो आप जीए से को पढ़िए गोविंद द न्यू हिस्ट्री ऑफ मराठास जिसको आ, इस, जिसको मराठी में कहा जाता है मराठी रियासत तीन वॉल्यूम है तो पुरंदर जो है वो लेटेस्ट है इसके पहले भी हो गए लोग जैसे कि मैं जद सरकार का मूल्यांकन कई जगह पे मैं एग्री नहीं होता उनसे लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि शिवाजी वाज़ द ग्रेटेस्ट कंस्ट्रक्टिव जीनियस ऑफ मिडिवल इंडिया बिल्कुल तो सभी इतिहासकारों को योगदान है